हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन की बात। तुम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएस राजामौली द ब्रांड एंड सुपरस्टार महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म यानी कि द मैग्नम ओपस एसएसएमबी 29 के बारे में। बहुत सारे अपडेट्स भी आए इसके निकल के, बहुत सारे स्टेटमेंट्स कह लो, अपडेट्स नहीं स्टेटमेंट्स कह लो, वो आए हैं। क्योंकि हम सबको पता है एसएस राजामौली साहब इज नाउ राइडिंग वेरी वेरी हाई ऑन द ब्लॉकबस्टर सक्सेस ऑफ ट्रिपल आर। हम सब जानते हैं 1000 crores एंड काउंटिंग। अब सबसे पहले हम रियली सॉरी कि हम उसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमको बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे कुछ दिन के लिए। उसके बाद एक बार छूट गया तो वो छूट ही गया, लेकिन हम सबको पता है 1000 crores एंड काउंटिंग इट इज अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर एवरीवेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यही हम सब चाहते भी थे और यही सब हुआ भी उसके साथ। और अब जो है बहुत सारे मीडिया इंटरेक्शन या फिर जो इवेंट्स हो रहे हैं, 1000 crore सक्सेस पार्टीज हो गए हैं, तो वहां पे भी उनसे उनकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि महेश बाबू साहब के साथ होने वाली, उसके बारे में उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। उस पर जो जो जवाब है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले उन्होंने बताया कि वी आर वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट, दो पैरेलल स्क्रिप्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं और दोनों ही एक्शन एडवेंचर मूवीज हैं। यस, यानी कि हम आपको बताए थे कि कुछ जंगल एडवेंचर होने वाला है, एक्शन एडवेंचर मूवी, और दोनों ही वो उसी प्लॉट पे काम कर रहे हैं। अब कौन सा वाला फाइनलाइज होता है ये तो हम लोग को समय आने पे पता चलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया था एसएस राजामौली साहब ने कि जो हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑलमोस्ट आप मान के चलो अभी हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर 6 से 7 महीने लगेंगे हमको पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है उसको फाइनलाइज करने में और काम भर मतलब जो प्री प्रोडक्शन होता है उसके काम को करने में, एंड उसके बाद से फिर फिल्मिंग शुरू हो सकती है इस साल के एंड तक, ऐसा उन्होंने बोला है। बट थोड़ा सा ऊपर नीचे मान के चलो अगले साल के फरवरी मार्च तक ये फिल्म शुरू हो सकती है। और क्योंकि एसएस राजामौली साहब इज अ परफेक्शनिस्ट, तो ये स्क्रिप्ट जब डेवलप होगी प्रॉपर पूरी तरह से, उसके बाद एक जो मैग्नम ओपस निकल के आती है उनके तरफ से, वो उसका जो मजा है वो हम सब चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी बनाए, जल्दी जल्दी फिल्में करें और ज्यादा से ज्यादा फिल्में करें। जो ड्यूरेशन होता है उनकी दो फिल्मों के बीच में वो जितना कम हो हमारे लिए तो उतना ही अच्छा है। बट फिर भी मान के चलो आप 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका जो फिल्मिंग है वो शुरू हो सकता है, और उसके बाद फिर कितना दिन लगेगा उसके बारे में तो अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 2024 का आप समर मान लो, समर पकड़ के चलो कि आपको ये फिल्म जो है देखने को मिल सकती है। कौन सा इस प्लॉट है जो कि फाइनलाइज होता है वो हम लोग आने वाले समय पता चलेगा। वैसे महेश बाबू जो है वो अभी सरकारू वाली पाटा का शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, मई 12th को उसका रिलीज है, एंड उसके बाद वो जून से त्रिविक्रम साहब वाली जो मूवी है उसके काम में लगेंगे और इस साल तक कंप्लीट हो जाएगा वो फिल्म। दैट विल बी आई थिंक अ समर 2023 रिलीज कह लो आप, और उसके बाद फिर इस मैग्नम ओपस पे काम लगेगा और सबकी निगाहें इसी फिल्म पे टिकी रहेंगी कि ये फिल्म जब एसएस राजामौली द ब्रांड वो किस तरह की फिल्म बनाते हैं इस बार, क्योंकि वो नीचे तो कुछ नहीं बनाने वाले। जो स्केल होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, जो एक्सपीरियंस होता है एक ऑडियंस का, वो तो नेक्स्ट ही लेवल पे जाने वाला है। और ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है, एकदम क्लियर कट बता दिया है कि ये कोई मल्टी स्टारर नहीं होने वाली है बल्कि एक सिंगल हीरो फिल्म होने वाली है। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स आपको स्पेशल अपीयरेंस गेस्ट अपीयरेंस वो तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ट्रिपल आर थी मल्टी स्टारर कंप्लीट दो हीरो फिल्म, वैसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि दोनों प्रोजेक्ट में से कोई भी दोनों जो स्क्रिप्ट काम कर रहे हैं वो उसमें से कोई भी जो है मल्टी स्टारर नहीं है। सो महेश बाबू विल बी द सिंगल हीरो। कितना एक्साइटेड हो आप इस फिल्म के लिए जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल यही अपडेट है और कुछ भी आएगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। वैसे कुछ काफी सारे वीडियोज हैं इस एसएसएमबी 29 पे, 2-3 वीडियो 4 वीडियो आई थिंक मेरे चैनल पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आलिया भट्ट इज इन कंसिडरेशन फॉर दिस मूवी। जैसे ही कुछ और पता चलेगा हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, और कुछ बात करनी है इंस्टाग्राम पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।